आज मैं आपको लेकर आगे मदुरई के मोस्ट फेमस गुंडू भाई के पास, जो कि मदुरई में लगाते हैं 500 किलो हैदराबादी स्टाइल चिकन बिरयानी, जिसकी यहाँ पे इतनी ज्यादा डिमांड है कि बनते ही सारी बिरयानी बुक हो जाती है और एक घंटे में ही सारी फिनिश हो जाती है। तो चलिए गुंडू भाई से जानते हैं कि क्या है इनकी बिरयानी में ऐसी खास बात, और जानते हैं कि इनका नाम गुंडू भाई कैसे पड़ा। तो देखो तो इतना बड़ा पतीला कितना भारी होगा, दो लोग इसको आराम से उठा के यहाँ पर रख दिए इसको। तो बिरयानी में सबसे पहले हमारे यहाँ पे ऑयल डाला जा रहा है, एकदम फ्रेश ऑयल यहाँ पे आ चुका है। तो एक एक पैकेट कट करके इसमें यहाँ पे ऑयल डाला जा रहा है, और टोटल आज यहाँ पे 100 किलो यहाँ पे बिरयानी बनाई जाएगी। एक एक करके 4 से 5 पैकेट भैया यहाँ पे ऑयल डाल दिया। यहाँ पे आप देखते कितने सारे यहाँ पे पैकेट से ऑयल यहाँ पे डाल दिया है, 9 से 10 पैकेट यहाँ पे यूज किए गए हैं, और ऑयल डाल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्याज को डाला जा रहा है, प्याज डालने के बाद यहाँ पे हरी मिर्ची यहाँ पे डाली जा रही है। तो प्याज और मिर्ची को यहाँ पे अच्छे से चलाया जा रहा है, अब इसको अच्छे से यहाँ पे भून लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे खड़े मसाले आ चुके हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हो दालचीनी मिल जाएगी, चकड़ी मिल जाएगी, आपको लौंग मिल जाएगा, हरी इलायची मिल जाएगी। तो बहुत सारे यहाँ पे मसाले हैं, तो ये हमारी बिरयानी में यहाँ पे यूज किए जाएंगे। तो खड़े मसाले डालने के बाद यहाँ पे धनिया और पुदीना इसमें डाला जा रहा है, धनिया पुदीना डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे चला लिया जाएगा। आधा घंटा प्याज पकाने के बाद इसमें डाले जा रहे हैं टमाटर, तो पूरी ट्रे भर के यहाँ पे टमाटर की डाल दी गई है। टमाटर डालने के बाद गुड्डू भाई यहाँ पे नमक डालेंगे, तो नमक डालने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे पकाया जाएगा। तो जो भी से मिर्ची डाली है, प्याज डाला है, सबको अच्छे से यहाँ पकाया जा रहा है। टोटल यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, क्या डालने वाले हैं वैसा इसमें जो है मिर्ची धनिया पाउडर और सब मिक्सिंग करके डालता हूँ वैसा। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे डाला जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मसालों को अच्छे से पहले भून लिया गया है, ऊपर से अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको भी अच्छे से यहाँ पे पकाया जाएगा। तो गुंडू भाई ने देखो अच्छे से यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, अब इसको अच्छे से पतीले में यहाँ पे पकाया जाएगा। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब यहाँ पे मिला जा रहा है दही, तो देखो कितना थक गई है। तो यहाँ की खास बात यह है कि जो भी चीज बनती है सामने बनती है, लाइव बनती है, तो जितने दही की रिक्वायरमेंट थी वो इस पतीले में अभी यहाँ पे डाल दिया गया है। यहाँ पे देखो अब इसको डायरेक्ट हीट से यहाँ पे हटाया जा रहा है, और अब इसको दम लगाने के लिए बीच में लोहे की यहाँ पे प्लेट रखी जा रही है। मसाला पकाने के बाद इसमें हल्का सा गर्म पानी डाला जा रहा है। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे धनिया पुदीना यहाँ पे डाला जा रहा है। तो पूरे मदुरई में गुंडू भाई की बिरयानी इतनी फेमस है कि बनने के साथ ही ये सारी बिक जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी बिरयानी के लिए 60 किलो यहाँ पे चिकन आ चुका है, चिकन की यहाँ पे अच्छे से धुलाई कर ली जाएगी, एक एक करके सभी पीसों को यहाँ पे अच्छे से छाटा जा रहा है, अच्छे से उसकी सफाई की जा रही है, उसके बाद ही यहाँ पे ऐसे कंटेनर में इसको डाला जा रहा है। तो बिरयानी के लिए हमारे चिकन की यहाँ पे अच्छे से सफाई कर ली गई है, तो चिकन की यहाँ पे अच्छे से मैरिनेशन कर ली जाएगी, तो यहाँ पे चिकन निकाला जा रहा है। तो बड़े से टब में यहाँ पे चिकन ले लिया गया है, अब यहाँ पे मसाले डाले जा रहे हैं, तो मसालों को चिकन के साथ यहाँ पे अच्छे से मिक्स किया जा रहा है, अब इसमें डाला जा रहा है दही। तो चिकन की क्वांटिटी देख सकते हो कितनी ज्यादा क्वांटिटी में हमें चिकन आ चुका है, चिकन को मसालों के साथ दही डाल के अच्छे से यहाँ पे मैरिनेट कर लिया जाएगा। तो पूरा टब भर के देखो चिकन को यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट कर लिया है, चिकन को यहाँ पे अच्छे से मैरिनेट कर लिया गया है, अब इसको देखते हो अच्छे से बड़े से पतीले के अंदर डाला जा रहा है। तो दूसरी बार यहाँ पे हमारे चिकन आ चुका है, तो दो बार देखते हैं यहाँ पे भर भर के यहाँ पे चिकन डाल दिया गया है। तो चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पे मसाला चलाया जाएगा। बिरयानी के लिए हमारे यहाँ पे राइस आ चुके हैं, एकदम अच्छी क्वालिटी के देखते हैं यहाँ पे राइस यूज किए जाते हैं, 30-30 किलो की दो बार यहाँ पे डाली जा रही है, तो टोटल यहाँ पे 7 किलो तो सिर्फ चावल यहाँ पे डाला जा रहा है। तो बिरयानी के राइस को पकाने के लिए यहाँ पे गर्म पानी यहाँ पे उबाला जा रहा है, और ऊपर से डाल दिया गया यहाँ पे खड़े मसाले। तो नेक्स्ट यहाँ पे पुदीना इसमें डाला जा रहा है, राइस को पकाने के लिए पानी गर्म हो चुका है, इसमें नमक डाल दिया गया है। तो बिरयानी के लिए राइस को अच्छे से यहाँ पे भिगो लिया गया है, आधा घंटे इसको भिगोने के बाद अब यहाँ पे इसको निकाला जा रहा है। तो इस घंटे में देखो कितने सारे छेद है, तो जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा इसमें से निकल जाएगा। तो पतीले में देखो पानी को अच्छे से उबाल लिया गया है, अब यहाँ पे राइस को डाला जा रहा है, तो पूरा कंटेनर भर के इसमें राइस डाल दिया गया है। तो हमारे बिरयानी के लिए बॉइल करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो 60 किलो चावल यहाँ पे डाल दिया गया है, इसको ढक्कन रखे इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो बिरयानी के राइस हमारे यहाँ पे पक चुके हैं, आप देख सकते हो इसको अलग से यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो बिरयानी के लिए देख सकते हो हमारे यहाँ पे राइस को डाला जा रहा है बड़े से पतीले में। तो बिरयानी के लिए राइस को यहाँ पे 2 से 3 बार यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो डाला जाएगा। तो 3 से 4 यहाँ पे बड़े बड़े कंटेनर जो भी चिकन था हमारा नीचे रह गया है, और ऊपर यहाँ पे राइस अच्छे से सेट किया जा रहा है। यहाँ पे राइस यहाँ पे अच्छे से डाल दिए गए हैं, और पूरा पतीला यहाँ पे भर चुका है, अब इसको अच्छे से राइस को यहाँ पे सेट किया जा रहा है। अब इसको यहाँ पे अच्छे से दम लगा लिया जाएगा, तो कितना देर दम लगा जाएगा इसको 20 मिनट, तो 20 मिनट यहाँ पे इसको अच्छे दम लगा दिया जाएगा, और बिरयानी हमारी यहाँ पे रेडी कर ली जाएगी। राइस के ऊपर देख सकते हो यहाँ पे बैसा भी यहाँ पे डाला जा रहा है, तो ऊपर से एकदम बढ़िया तरीके से बैसा डाल चुका है, और ये आगे काजू। अब दम की यहाँ पे तैयारी कर ली जाएगी, दम लगाने के लिए यहाँ पे कपड़ा आ चुका है, कपड़े को अच्छे से भिगो लिया है, कंटेनर के चारों तरफ इसको अच्छे से यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो बिरयानी को दम लगाने के लिए अब यहाँ पे ढक दिया गया है, 20 मिनट अब इसको अच्छे से यहाँ पे दम लगाया जाएगा। तो दम लगाने के लिए जैसे इसमें 4 से 5 बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए हैं। तो भैया नाम कैसे सोचा आपने गुंडू भाई इसका? सब पहले रियल हैदराबाद रखा था मैंने, दुकान का नाम रियल हैदराबाद बिरयानी रखा था। सब लोग मोटे भाई सब ऐसे कहा कि रियल हैदराबाद को नाम चेंज कर लिया मैंने, गुंडू भाई बिरयानी ऐसा डाल दिया, वो नाम रख दिया, एकदम फेमस हो गया नाम, पहला नाम अच्छा हो गया। तो यहाँ पे देखते लोग टोकन लेके एडवांस अपने यहाँ पे बिरयानी बुक करवा रहे हैं, फाइनली देखते बिरयानी को अच्छे से दम लग चुका है यहाँ पे, अब बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पे हटाया जा रहा है। तो फाइनली बड़े से पतीले में हमारी यहाँ पे देख सकते हो हैदराबादी स्टाइल यहाँ पे बिरयानी लग के रेडी हो चुकी है, गुंडू भाई की फेवरेट बिरयानी, एकदम पतीला भर के यहाँ पे बिरयानी लग चुकी है, ऊपर से डाला जा रहा है देसी घी। तो देखते 2 डब्बे यहाँ पे देसी घी के डाले गए हैं, फाइनली बिरयानी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, जो भी ऊपर राइस है उनको यहाँ पे टाइट किया जा रहा है, और जो चिकन के पीसेस हैं वो नीचे से निकाले जाएंगे। तो खुशबू जो है बिरयानी से बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो चिकन निकालते ही अब यहाँ पे बिरयानी की पैकिंग की शुरुआत हो चुकी है, अब अपने यहाँ पे पैकिंग करवा रहे हैं। तो ढक्कन के ऊपर देख सकते हो कितना सारे यहाँ पे हमारे कंटेनर रख दिए हैं, सब में यहाँ पे आप बिरयानी पैकिंग है, हमारी हैदराबादी स्टाइल बिरयानी के लिए यहाँ पे आग आ चुके हैं। तो जैसे ही हमारी बिरयानी बनी आप चारों तरफ भीड़ देख सकते हो, गुंडू भैया को चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया है, और एक एक करके सभी अपनी बिरयानी का वेट कर रहे हैं। जैसे जैसे लोगों ने टोकन लिए थे एडवांस में, अब अपने यहाँ पे पैकिंग करवा रहे हैं।
आप भीड़ देख के अंदाजा लगा रहे होंगे कितनी ज्यादा यहाँ पे भीड़ है, और लोग एक एक घंटे से अपनी बिरयानी का ज्यादा यहाँ पे पीस दिए उन्होंने। क्वालिटी देख सकते बिरयानी की कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है, एकदम हैदराबादी स्टाइल में यहाँ पे बिरयानी लगाई जाती है। साथ में आपको एक एग मिल जाएगा, आपको ग्रेवी मिल जाएगी, आपको रायता मिल जाएगा, एकदम बढ़िया से यहाँ पे बिरयानी लगा दी है। तो बाकी जगह आपने बिरयानी खाई होगी, लेग पीस थोड़ा छोटा सा होता है बट देख सकते हो एकदम बड़ा सा आपको यहाँ पे लेग पीस मिल जाएगा। तो चलिए चलते इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं चिकन का यहाँ पे पीस लूंगा, इसको ग्रेवी से अच्छे से मिक्स करते हैं, और यहाँ गया थोड़ा सा प्याज,